देश में लंबे वक्त से कांग्रेस के हाथ को ताकत देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। ना तो पार्टी को पूर्णकालिक अध्यक्ष मिला है और ना ही प्रशांत किशोर की एंट्री को लेकर कोई फैसला हो पा रहा है। इस पसोपेश के बीच आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने बड़ा बयान दिया है। इसी के साथ ही उन्होंने G23 ग्रुप को लेकर भी खरी खोटी सुनाई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर क्या थामेंगे कांग्रेस का हाथ? क्या पीके की एंट्री से खुश होंगे कांग्रेस के नेता? इन सवालों को लेकर सियासत में लंबे वक्त से सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो इसका विरोध कर रहे हैं वो ऐसा ना करे, क्योंकि देश और कांग्रेस के लिए जरूरी है कि पार्टी में रिफॉर्म आए। वीरप्पा मोइली के मुताबिक प्रशांत किशोर अगर पार्टी में शामिल होकर काम करते हैं तो वो ज्यादा सही रहेगा। इसी के साथ ही उन्होंने G23 ग्रुप को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि G23 का कुछ नेताओं ने गलत इस्तेमाल किया। G23 को पार्टी को बनाने के लिए काम करना था, न कि उसे बर्बाद करने के लिए। सोनिया गांधी की लीडरशिप में पार्टी में रिफॉर्म हो ही रहा है, ऐसे में इसमें G23 का कोई रोल नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आगे भी G23 जैसे किसी ग्रुप का गठन या समर्थन कांग्रेस के विरोधियों को ही लाभ पहुंचाने वाला है। G23 ग्रुप को खरी खोटी सुनाने के साथ साथ वीरप्पा मोइली ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को फिर अध्यक्ष बनाए जाने का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष पद के लिए सबसे बेहतर चॉइस है, लेकिन इस वक्त पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की भी जरूरत है। वीरप्पा मोइली का ये बयान तब आया है जब राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। तमाम नेता राहुल को अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।